हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसटीए किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं लाजवाब पाव भाजी, बिल्कुल मुंबई स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी के लिए मैं यहाँ पे दो आलू, थोड़े मटर, एक शिमला मिर्च, 100 ग्राम गोभी का फूल। अब हम आलू, गोभी, मटर को उबाल लेंगे। कुकर में डाल के इसको सीटों के लिए लगा देंगे। नमक स्वाद अनुसार। हमने गोभी, आलू, मटर, नमक, पानी डाल के कुकर में अब इसको फिट कर देंगे। 3 विजिल्स के लिए लगा देंगे। ये देखिए, हमने आलू, गोभी और मटर को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है और मैंने आलू का छिलका काट दिया है। अब हम आलू को इस तरीके से स्मैश कर लेंगे। अब हम एक पैन में 50 ग्राम बटर ऐड करेंगे। इसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। हम पाव भाजी को सिर्फ बटर में बनाएंगे। बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पाव भाजी का। बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये 2 कटे हुए टमाटर है। इसको 5 मिनट्स बटर के साथ हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें वेजीज ऐड कर देंगे, उबाले हुए गोभी, मटर, आलू। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम टमाटर के साथ। अब हम कटे हुए शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। अब हम लिड क्लोज करके पकने के लिए रख देंगे। अब हम लिड को ओपन कर देंगे। अब हम इसको स्मैश करेंगे इस तरीके से। अच्छे से स्मैश कर देंगे हम सारे वेजीज को। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से वेजीज को स्मैश कर दिया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 स्पून पाव भाजी मसाला, थोड़ी कस्तूरी मेथी, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को वेजीज में। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बीच में थोड़ा गैप बना लेंगे। 1 स्पून बटर, इसको बीच में हम प्लेस कर देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इसको मैंने बारीक से काट लिया है। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, 1 नींबू का रस, थोड़ा पाव भाजी मसाला। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे हम। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। इसको 2 मिनट्स के लिए पकने के लिए रखेंगे।
पानी जिर चुका है, अब हम थोड़ा और इसको स्मैश कर लेंगे। एक 2 मिनट्स के लिए इसको अच्छी तरीके से स्मैश कर देंगे। ये बन चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे, रेडी टू सर्व। अब हम एक पैन में थोड़ा बटर डाल लेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो रहा है, अब हम इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा पाव भाजी मसाला और थोड़ी कटी हुई कोथिमीर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और हम पाव में इसको बीच में लगा देंगे। ये रेडीमेड पाव है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये इसको इस तरीके से हम अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए, ये पाव को मसाला अच्छी तरीके से लग चुका है, अब हम इसको साइड में रख के इसकी सर्विंग कर देंगे। ये देखिए, हमारी पाव भाजी तैयार है, बिल्कुल मुंबई स्टाइल। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।